के वार्ड 49 की वार्ड पार्षद सीमा वर्मा चैत छठ पूजा के दूसरी अर्घ पर घग्घा घाट पहुंची और वहां उन्होंने उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ व्रतियों का आशीर्वाद लिया तथा अपने वार्ड के लोगों के लिए मंगल कामना की कामना की। घाट पर आए छठ व्रतियों सहित श्रद्धालुओं के वार्ड पार्षद सीमा वर्मा हमारे वार्ड 49 की वार्ड पार्षद हमेशा बनी रहे, यही हम लोगों की कामना है। क्यों बने, क्यों बनते रहेंगे? हाँ, अच्छा। सारा काम करते हैं, एकदम करते हैं। पूजा की तो समाप्ति हो गया है, सब प्रसाद के लिए हम यहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत अच्छे ढंग से पूजा पाठ हुआ है, घाट अच्छे से बने हुए हैं, नगर निगम का सहयोग है, घाट पर लगे हैं। तो हम लोग सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का इलेक्शन नजदीक है, जो आने वाले चुनाव का दिन हम लोग लग रहे हैं, जितने साथी हैं फिर से हम चुनाव वापस नहीं जीत कर वापस आ रहे हैं। शुभकामना सभी साथियों के लिए पार्षद सबको, हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग पहले थे फिर से चुनाव जीते, हम लोग वही आ गए। कहते हैं हम लोग खड़े होकर घाट को सफाई भी करवाए, बनवाने के लिए ठेकेदार लोगों का सहयोग किया है, इससे कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने राज्य, अपने पूरी दुनिया में शांति कायम हो। और हमारी जो 49 की वार्ड पार्षद है श्रीमती सीमा वर्मा, ये मुगल जीत कर आए क्योंकि इनकी देखरेख में काम सही हो रहा है, हम संतुष्ट हैं। काफी अच्छा इन्होंने काम किया। तीन बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार हम खड़ी होने जा रही है। अभी तो कम्युनिकेशन एकदम बना के रखती है, सबके संपर्क में। और एक दिन नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव आने वाला है तब, निरंतर संपर्क में रहती है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं जी? नाम क्या है? मेरा नाम किरण सिंह है। ठीक है। और हम आप तक यही प्रार्थना करते हैं कि सबको अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य रखे। हाँ। और जो छोटी गाड़ी सीमा वाड़ी बड़ी दीदी है, हाँ, फिर से पूरा फिर यही जीत करती है। हाँ, आपकी दीदी इसलिए है कि काम करती है, इसलिए काम करती है ना, वही तो हो रहा है। अच्छा, ठीक। अपना नाम बता दीजिए। आप भगवान से बराबर ये प्रार्थना मेरी रहेगी कि मेरी भाभी सीमा सब दिन सूरज की तरह ही चमकती रहे और वो अपनी तेज पूरे समाज को भी बिखेरती रहे। यानी हमेशा वार्ड पार्षद बनी रहे, हमेशा वार्ड पार्षद में हम लोग के आँख के सामने सदा के लिए काम करती है, आदमी का काम चुन के लाता है, ना कि उनका मतलब समाज में कितना ऊंचाई पर है वो लेके आता है। अच्छा, अच्छा काम करती है, आस्था से मनाते हैं हम लोग के लिए, हिंदू के लिए बहुत काम कर रहे हैं, भरोसा करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, हम लोग सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये पर्व 4 दिनों का होता है, पहले नहाए खाए करते हैं, हाँ, चने के दाल कद्दू और चावल ये सब बनता है, सब्जी बनता है, उसके बाद खरना करते हैं, उसके बाद पहला रंग 4 दिन का महान पर्व है। भगवान भास्कर से क्या आपने कामना की? कामना करते हैं कि सब बिहार वासी खुश रहे, जनता खुश रहे, हम